13 दिन के भीतर भारतीय सेना और भारतीय नेतृत्व और भारतीयों ने 13 दिन के भीतर पाकिस्तान के दो भाग कर दिए, दो टुकड़े कर दिए और शिमला एग्रीमेंट करवा के कान पकड़ करके उठक बैठक करवाया था पाकिस्तान को, और शिमला एग्रीमेंट करवा के कान पकड़ करके उठक बैठक करवाया था पाकिस्तान को। वो जब भी कुछ करेंगे आर्मी और आईएसआई जो है उसको ने रोकी है। उनको तो बोलिए पहले अपने पतलून में नाराज इसलिए वो हमसे वार क्या करेंगे, इसीलिए मैं पाकिस्तान को गिनता नहीं हूँ, ठीक है उनका। और जिस दिन यहाँ ठान लिया जाएगा दूसरा 1971, मैं बताना चाहता हूँ दूसरा 1971 इतिहास में, इतिहास के पन्ने इंतजार कर रहे हैं। और 1971 में भारतीय सेनाओं के पास ये कुब्बत थी, एक दूसरा देश विश्व के मानचित्र पे पैदा हुआ। शायद अब की बार होगा तो 5 नए देश, ठीक है, विश्व का मानचित्र बदलेगा, भूगोल भी बदलेगा और इतिहास भी बदलेगा। ये वार्निंग है भारतीयों की तरफ से पाकिस्तान को और ऐसे तत्वों को, ठीक है। के मिश्रा जी जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सेना राजीव मिश्रा जी, शायद आपको रिबट करना चाहिए, उसके बाद देखिए मिश्रा जी के पास मेरा जाना बेहद जरूरी है। लेकिन इसको ये राजनीति में नहीं कह रहा हूं, राजीव जी उनको भी आपको देश की एकता अखंडता संप्रभुता पे ना निकालना, आपके नेता हमारे नेता नहीं चलेगा, एके मिश्रा जी के पास जाना बहुत जरूरी है। राशिद देखिए, सबसे पहले तो उन माताओं को नमन है जिन्होंने की भारत में वीर सपूतों को पैदा करने की परंपरा कायम रखी है। उन शहीदों को मैं नमन करता हूँ जो शहीद हो गए हैं या पीछे हुए हैं, उसके बाद मैं बात करता हूँ। देखिए सारे चैनल वाले ये बोल रहे हैं बदला 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 लेंगे, बदला लेना चाहिए। मैं आपको बोलना चाहता हूँ भारत का इतिहास देख लीजिए, भारत कभी भी बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करता है। हमें करना क्या चाहिए, हमें क्या करना ये है कि ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं जो भारत के लिए और अगल बगल के लोगों के लिए भी, देशों के लिए खतरा बने हैं, तो इन दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का संहार करना हमारा नैतिक अधिकार है, परम कर्तव्य है, धर्म है, बदला से कहीं बढ़ के ये हमारा कर्तव्य है कि ऐसे दुष्ट आतंकवादियों का संहार करें, चाहे घर में उनके देश में घुस के करें, उनके घर में करें या हमारी टेरिटरी में करें। अब सवाल आपका है, देखिए किसी भी तरीके से भारत की कैपेबिलिटी को आप कम जो है कमतर करके मत मापिए, उसका एक लॉजिक है। आज की डेट में साइंस में सबसे बड़ी चुनौती जो होती है मंगल तक उपग्रह को भेजना, अगर हमने मंगल तक उपग्रह भेज दिया तो वो सारी टेक्नोलॉजी हमारे वैज्ञानिकों के पास अवेलेबल है, चाहे वो थल से, नभ से, जल से, कैसे भी करके करना हो। दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊंगा, अभी नहीं, अगर हम ये, कोई बोलता है कि जी उनके पास एटम बम है, ये है, वो है, ऐसे है, कुछ नहीं, 1971 के वार में भी इनके पास बेस्ट टैंक थे, पैटर्न टैंक, जिसके दम पे उछल करके पाकिस्तान ने अटैक किया था। 13 दिन के भीतर भारतीय सेना और भारतीय नेतृत्व और भारतीयों ने 13 दिन के भीतर पाकिस्तान के दो भाग कर दिए, दो टुकड़े कर दिए और शिमला एग्रीमेंट करवा के कान पकड़ करके उठक बैठक करवाया था पाकिस्तान को। मैं फिर बोलता हूं क्यों भारत को करना चाहिए, देखिए इनकी जेनेट्री देखिए, देश आजाद हो रहा था और जो लोग पाकिस्तान में जाके बस गए वो सियासत कर रहे थे, वो षड्यंत्र रच रहे थे कि हमें दूसरा देश चाहिए। ऐसे लोग जो पाकिस्तान में बसे हैं उनका जेनेटिक्स यही है, इनके ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं बोल चुका हूं 70 साल हमने भरोसा किया, ये सांप की तरह डंस मारते हैं, आप 25-50 साल इनके साथ शांति वार्ता और कर लीजिए। मेरा मानना यह है कि इनके सांप के दांत को तोड़िए, डीमिलिटराइज करिए, हमारे पास सारी कैपेसिटी है, चूंकि आपने बंदिश लगा दी है मैं डिटेल में नहीं बता सकता हूं, हर तरीके की कैपेसिटी हमारे पास अवेलेबल है, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे मिलिट्री हो, स्ट्रेटजिक, टैक्टिकल, टेक्निकल, ऑपरेशनल, हर मामले में पाकिस्तान से हमारी सेना हर मामले में लाख गुना बेहतर है। और जिस दिन यहां ठान लिया जाएगा दूसरा 1971, मैं बताना चाहता हूं दूसरा 1971 इतिहास में, इतिहास के पन्ने इंतजार कर रहे हैं। और 1971 में भारतीय सेनाओं के पास ये कुब्बत थी, एक दूसरा देश विश्व के मानचित्र पे पैदा हुआ। शायद अब की बार होगा तो 5 नए देश, ठीक है, विश्व का मानचित्र बदलेगा, भूगोल भी बदलेगा और इतिहास भी बदलेगा। ये वार्निंग है भारतीयों की तरफ से पाकिस्तान को और ऐसे तत्वों को, ठीक है, ठीक है। आपका कहना यह है कि पाकिस्तान की दशा यह होगी कि 5 नए देश बनेंगे अगर पाकिस्तान पर अटैक कर दिया जाएगा। यहाँ पर जज्बाती बात भी है, डिप्लोमेटिक बात भी है, लेकिन मैं सब्सटेंशियल बात करना चाहता हूँ, मैं रियलिस्टिक बात करना चाहता हूँ। और मैम डॉक्टर वंदना पांडे, सब रियलिस्टिक पैरामीटर पे है, मैं हर एक चीज को रियलिस्टिक पैरामीटर, साइंटिफिक पैरामीटर पे एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं कभी इस बारे में और भी आपसे बातचीत करूंगा, जानते हैं मैं आपके दिल के जज्बात समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी उतना ही गुस्से में हूँ, मैं भी उतना ही जज्बाती हूँ, इसलिए एक सवाल मैं जरूर पूछूंगा मैम, मैं एक सवाल पूछूंगा मैम, आई विल आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू, एक सब्सटेंशियल सवाल पूछूंगा। और मेरा सवाल यह है कि
क्या होता है ना, जब एनडीए की सरकार होती है और अगर भी ये कहा जाता है कि एनडीए की सरकार को अगर नीति निर्देशन देना होता है या देश किस तरह से सही चले, देश की संस्कृति के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, नीति निर्देशन के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मार्गदर्शन दिया करता है, उन्हें गाइड किया करता है। चार दिन गुजर चुके हैं मैम, चार दिन में अभी तक मोहन भागवत जी ने कोई मार्गदर्शन क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं अभी तक केशव कुंज या फिर नागपुर में कोई बड़ा नेता, कोई बहुत बड़ा मंत्री अभी तक क्यों नहीं बुलाया गया? माननीय मोहन भागवत जी का यह बयान आया है कि त्वरित और बहुत ही कहना चाहिए कि सख्त से सख्त एक्शन लेने की बहुत जरूरत है, तीव्रता से। ये मोहन भागवत जी का बयान आया है और ये अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं, इसको जांच सकते हैं। रही बात क्या राष्ट्र के नाम पर जीने मरने वाला तलब हो जाते हैं, केशव कुंज या नागपुर में तलब हो जाते हैं, केशव कुंज या नागपुर में तलब हो जाते हैं, राधाकांत पांडे के पास भी चलते हैं हम। ठीक है मैम, दोबारा मैं आ रहा हूँ। संघ क्या इस बात से अपने आप को कभी कभी अलग कर सकता है? समर्पित कर देगा राष्ट्र? अलग करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन जितना अग्रेशन होता है ना राष्ट्र के नाम पर, जितना अग्रेशन होता है मैम, इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा था। मैं काम कर लेता हूँ, राधाकांत पांडे के पास में चलता हूँ। राधाकांत नहीं, समर्पण है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक। ठीक है मैम, ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम। मैं विवेक साइलस जी के पास में चलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं राधाकांत पांडे के पास भी चलता हूँ। राधाकांत पांडे वीरस के कवि हैं आप। आज मैंने जानबूझ करके आपको आमंत्रित किया है क्योंकि मैंने एक पत्रकार को भी सुना, मैंने राजनेता को भी सुना, मैंने संघ विचारक को भी सुना, पक्ष को भी सुना, विपक्ष को भी सुना, समाजवादी को अब से थोड़ी ही देर के बाद मैं सुनूंगा। लेकिन वीर रस का एक कवि चार दिन में पुलवामा अटैक के बाद क्या कह रहा है, उसका दिल क्या बोल रहा है, उसका दिमाग क्या बोल रहा है, उसके शब्द क्या बोल रहा है? सबसे पहले तो मैं इस डिबेट को देख रहा था और ओंकार नाथ जी की एक बात से मुझे आपत्ति थी, मैं उस समय नहीं बोला। उन्होंने कहा कि गुस्से को कंट्रोल करने के लिए लोग बयानबाजी कर रहे हैं। साहब ये कम से कम आप ऐसे बेतर्क कुतर्क मत दीजिए कि ये गुस्से को कंट्रोल करते हैं। सिद्धू जी की बातें हमारे गुस्से को और बढ़ाती हैं, कंट्रोल नहीं करती। मैं एक समाधान देता हूँ कि डरने की नहीं, अब तो संभलने की ज़रूरत है। बदलते वक्त में तेवर बदलने की ज़रूरत है। उन्हें हम प्यार दें, बदले में उनकी गोलियां खाएं। विषैले सर्प हैं, इनको कुचलने की जरूरत है। और जहां तक बात है, ये परिदृश्य देश में उबाल है और देश क्या सोचता है, मैं चार पंक्तियां निवेदित करता हूं कि शत्रुओं स्नेह दिखलाते शर्म आती नहीं, गाना भी हो गीत राष्ट्र वंदना के गाइए। कि शत्रुओं से नेह दिखलाते शर्म आती नहीं, गाना भी हो गीत राष्ट्र वंदना के गाइए। और यदि जागरण चाहते हो देश में तो सुप्त जो पड़ी हुई है चेतना जगाइए। तो सोच से नकारा कहीं पीढ़ियां ना हो चलिए, कि सोच से नकारा कहीं पीढ़ियां न हो चले। ये सौर्य के पुजारियों का हौसला बढ़ाइए, किंतु यदि सैनिकों को मान भी न दे सके तो चुल्लू भर पानी लेके डूब मर जाइए। और ये आवश्यकता क्यों है? कहा जाता है सैनिकों का शौर्य, समर्पण, स्वाभिमान क्या होता है। ओंकार जी, कभी आप कल्पना करिएगा जो सेना पे, सीमा पे जवान देश की रखवाली करते हैं। मैंने चार पंक्तियां कहीं लिखा, चिंतन करिएगा कि परिवार दांव पे लगाया खुद देश हेतु, यह भाव भरने की सोच के भी देखना। गोलियों के आगे सीना तान के खड़े हों, ऐसे हद से गुजरने की सोच के भी देखना। आज तक आप जो संभाले रहे, कभी उस घर के बिखरने की सोच के भी देखना। आज तक आप जो संभाले रहे, कभी उस घर के बिखरने की सोच के भी देखना। रूह का पुजा जाएगी तुम्हारी बस एक बार, रूह का पुजाएगी तुम्हारी बस एक बार, बलिदान करने की सोच के भी देखना। जो कहते हैं युद्धों से समाधान नहीं होता, मैं जानता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं भारत वो देश है जहां स्वाभिमान के साथ जिया जाता है। आप हमारे लिए राष्ट्र प्रथम होता है हमारे लिए, हम जिए युद्ध विकल्प नहीं होता। लेकिन यह भी है, स्वाभिमान से विमुख व्यक्ति को भी मरा हुआ माना जाता है। एक बात बीजेपी के नेता ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी बोल तो रहे हैं। साहब ये देश आपसे बोलना, बोल तो आप हमेशा ही बोलते हैं। आप ये समय आपके बोलने का नहीं है, ये समय कुछ करने का है।
चार पंक्तियां निवेदित करता हूं कि वीर विधवाएं करती यही सवाल बोलो, अखियों का नूर महताब कब लाओगे, खत आखिरी मचू में और बार बार कहे, शेष बचे प्रश्न का जवाब कब लाओगे, कि वीर विधवाएं करती यही सवाल बोलो, अखियों का नूर महताब कब लाओगे, खत आखिरी मचू में और बार बार कहे, शेष बचे प्रश्न का जवाब कब लाओगे। बापू जी है मौन बहना उदास पूछती है, राखी पर तोहफे नयाब कब लाओगे, सारा देश पूछने लगा है मोदी जी बता दो, सैनिकों की मौत का हिसाब कब लाओगे। एक बार कभी बुद्ध से जापान के एक छोटे से लड़के ने सवाल जापान के एक छोटे से लड़के से गौतम बुद्ध ने सवाल किया, अगर माफ करिएगा विवेकानंद ने सवाल किया कि तुम सबसे ज्यादा किसे मानते हो, उन्होंने कहा भगवान गौतम बुद्ध को। दूसरा सवाल उनका यह था कि अगर कल को गौतम बुद्ध तुम्हारी मातृभूमि पर आक्रमण करते हैं तो तुम्हारा पहला प्यार क्या होगा, तुम क्या करोगे। उस छोटे से बच्चे ने जो जवाब दिया, सब राजनेताओं को मैं समर्पित करना चाहता हूं, उस छोटे बेटे का यह जवाब था कि भले ही मेरे आराध्य हैं, मैं दिन रात उनका नाम जपता हूं, लेकिन कल को अगर गौतम बुद्ध भी यहां आक्रमण करते हैं तो मैं उनको उनसे युद्ध लड़ने के लिए जाऊंगा और मैं पूरी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देने को तैयार हूं। लेकिन तब मैं चार पंक्तियां और मुझे याद आती हैं कि सबसे पहले देश बाद में ध्यान रखो आबादी का, अगर देश है साहब तो हम हैं, आप हैं, ये समाज है और सब। आज आवश्यकता इस बात की नहीं है कि कौन क्या है, जाति पंथ संप्रदाय में हम बटे रहे। मुझे आज भी लगता है, कहा जाता है पाकिस्तान पाकिस्तान पे ये सारी बातचीत का भी जो क्रम है पाकिस्तान के इर्द गिर्द घूम रही है, मुझे लगता है कि डरने की आवश्यकता पाकिस्तान से नहीं है, जो दुनिया के सामने कटोरा लेके भीख मांग रहा है वो भारत को क्या प्रताड़ित करेगा। हम कभी युद्ध में नहीं हारे, तब कहता हूं कि सबसे पहले देश बाद में ध्यान रखो आबादी का। राधाकांत जी बहुत सुंदर, और मैं कितनी अच्छी अच्छी चीजें लगाई है निश्चित उसमें। आज सीमा के पीछे हमारे मित्र बैठे हैं मिलिट्री सेना के, उनसे पूछिएगा किस तरह से जब से मोदी सरकार आई है सुरक्षा की सीमा किस तरह से की गई और किस तरह से एक सीमा के लिए टेक्निकल चीज आई है। लेकिन ठीक है, आपने कहा है उसको भी देखा जा रहा है, बता रहे एके मिश्रा जी शायद आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मिलकर एक देश को मिलकर एक करना चाहिए। एक चीज आप बताइए, एक सर आप बोल सकते हैं, हुआ था अमेरिका में जो चश्मे से नहीं था, आतंकवादी के चश्मे से देखा था। एक सर जल्दी बोलिए, मुझे ब्रेक लेना, जल्दी बोलिए मुझे ब्रेक लेना। एक सवाल है, मोदी जी ने कहा, आपके पास इतना दृढ़ नेतृत्व है, और मैं बोलता हूँ आपके पास इतना दृढ़ नेतृत्व है, 5 साल का टाइम चला गया और अभी तक ये चीजें रिपीट क्यों हो रही है सर, और इस चीज की क्या गारंटी? आप बोल रहे हैं कि अगली बार हम आप हमें फिर वोट दीजिए, मैं बोलता हूँ क्या गारंटी है कि अगली बार जीरो टॉलरेंस सर आप लोग कब अपनाएंगे? धारा 370 वगैरह हटाना है वो सब कब करेंगे सर? ना राजनीति बात करनी चाहिए इस समय, पूरे देश को एक सर में सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले कदमों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम है वो आप लोग छोटा सा करेंगे। एक ही मिश्रा जी, जो एक बात मैं कह रहा था, पॉलिटिकल सॉल्यूशन लोग कहते हैं, किससे पॉलिटिकल सॉल्यूशन? अरे इमरान खान तहरीके इंसाफ के मुखिया, मौजूदा प्रधानमंत्री, जब इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे नवाज शरीफ के अगेंस्ट में, यही जैश मोहम्मद था आपको याद होगा, मसूद अजहर जो है इमरान खान के सपोर्ट में था, आसिम मुनीर जो है इनका पिछला बैकग्राउंड भी यही है कि जम्मू कश्मीर में पहुंच करके इन्होंने न जाने कितनी बार अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की है, जनरल बाजवा जो हमेशा ये सोचा करता है कि आसिम मुनीर जैसों को आगे किया जाए, जैश मोहम्मद जैसों को आगे किया जाए, लश्कर जैसों को आगे किया जाए, क्या कौन सा पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालने की बात हम करते हैं एक तबके में? राशिद मैं आपको बताऊं, हमें समझना ये चाहिए, चूंकि हम शांतिप्रिय देश हैं, पाकिस्तान में ऐसी कौन सा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, वहां का संसद है, मंत्री है, मिनिस्टर है, डिपार्टमेंट है, जिनकी चलती हो वहां पे, तो हाइड में देखा जाए पर्दे के पीछे से तो हर चीज एक्टिविटी करती है, कंट्रोल करती है, सेना रावलपिंडी से होता है, तो पॉलिटिकल सॉल्यूशन इसीलिए हर बार देखिए हर बार वहां के पॉलिटिकल लीडर शांति वार्ता करते हैं लेकिन मिलिट्री उसको डिरेल कर देती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी गए उधर दोस्ती के हाथ बढ़ा रहे, इधर वो जनरल परवेज मुशर्रफ वो कारगिल कर रहे हैं,
पाकिस्तान से क्यों हमें स्ट्रिक्ट होना चाहिए, उसके पीछे रीजन है। वहां जितने इदारे होते हैं ना, डिपार्टमेंट, जैसे पॉलिटिकल, जुडिशरी, सेना, सब अलग थलग है। पाकिस्तान इट इज ए कंट्री विद इन कंट्री विद इन कंट्री। पाकिस्तान इन इटसेल्फ इट इज ए सिस्टम विद इन सिस्टम विद इन सिस्टम। सारे सिस्टम अलग थलग पड़े हैं, अपने मनमानी करते हैं, पॉलिटिकल सोल्यूशन कोई नहीं निकलेगा। एक चीज और बता दूं, मैं सबको बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं है। हो सकता है बिजविल हो या ना हो, मैं कांग्रेस के टाइम पे भी बात करता हूं, इंदिरा गांधी के टाइम पे भी, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे भी बात, 50% से ज्यादा काम अगर ये देखा जाए, ठीक है ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, उसके लिए भी सेना और हमारा शासन प्रशासन गंभीर है। कोई भी लीडरशिप रही हो देश के नाम पे, सारी लीडरशिप बहुत गंभीर रही है। इंदिरा गांधी ने प्लान बनाया था 1 से 1.5 साल पहले, उन्होंने मानिक शाह से बात किया था। फुल फ्लैग जो वार होता है उसको प्रिपेयर करने में बहुत टाइम लगता है और वो होना चाहिए। देखिए वार हमें केवल वार के लिए नहीं लड़ना है, हमें सक्सेस के लिए। एक बात मुझे और बोलने दीजिए, देखिए पहले जो वार होती थी 1970 तक वो ओपन वार थी। अभी ये जो टेररिज्म का इश्यू है ना, मैं बार बार बोलता हूँ, इट इज नोन एज ए फिफ्थ जनरेशन वार, जिसके कैरेक्टरिस्टिक, मींस, पर्पस, टैक्टिक्स, स्टाइल अलग है। और फिफ्थ जनरेशन की जो वार होती है उसके 5 लेयर होते हैं। ओंकार जी भी कुछ कहना चाहते थे। ओंकार जी आप बोल सकते हैं, उसके बाद मैं क्लोजिंग कमेंट के लिए हर किसी के पास में आऊंगा। ओंकार जी अपनी बात बोल लीजिए आप। देखिए राशिद भाई, पाकिस्तान के आप 10 टुकड़े कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक आप टेररिज्म को नहीं खत्म करेंगे, आप पाकिस्तान के टुकड़े करेंगे, वो कहीं और शिफ्ट कर जाएगा, या उन्हीं आज तक टुकड़ों में से कहीं एक जगह अपना बेस बना लेगा। जब तक आप टेररिज्म में पढ़ा करते थे अमीबा, हम जूलॉजी में पढ़ा करते थे अमीबा, इसीलिए जूलॉजी में अमीबा पढ़ा करते थे, अमीबा के जितने आप टुकड़े करें नया अमीबा पैदा हो जाता था। और नहीं होगा तो अफगानिस्तान पहुंच जाएंगे, अफगानिस्तान होगा नेपाल पहुंच जाएंगे, नेपाल होगा बांग्लादेश पहुंच जाएंगे। इसलिए पहले आतंकवाद को खत्म करने की आवश्यकता है। हाँ। उसके लिए आप जितनी ताकत लगाना हो लगाइए, क्योंकि पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट नहीं है। मिश्रा जी की बात सही है, पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर की कोई हैसियत नहीं है। वो जब भी कुछ करेंगे आर्मी और आईएसआई जो है उसको रोकती है। उनको बोलिए पहले अपने पतलून में नारा लगा ले, वो हमसे वार क्या करेंगे, इसीलिए मैं पाकिस्तान को गिनता नहीं हूँ। ठीक है ओंकार जी, मेजर आशीष चतुर्वेदी। नहीं नहीं ठीक है ओंकार जी, अपनी बात पूरी कर लें। ओंकार जी अपनी बात पूरी कर लें। बात गंभीर हो रही है कि जब तक क्या कहते हैं, जब तक आप आतंकवाद को खत्म करने की कोई रणनीति नहीं बनाएंगे ठोस, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। और मैं भी उतना ही गुस्से में हूँ, मैं भी उतना ही जज्बाती हूँ, इसलिए एक सवाल मैं जरूर पूछूंगा। मैम एक सवाल पूछूंगा। मैम आई विल आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू, एक सब्सटेंशियल सवाल पूछूंगा। और मेरा सवाल यह है कि क्या होता है ना, जब भी एनडीए की सरकार होती है, और अगर भी ये कहा जाता है कि एनडीए की सरकार को अगर नीति निर्देशन देना होता है या देश किस तरह से सही चले, देश की संस्कृति के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, नीति निर्देशन के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मार्गदर्शन दिया करता है, उन्हें गाइड किया करता है। 4 दिन गुजर चुके हैं मैम, 4 दिन में अभी तक मोहन भागवत जी ने कोई मार्गदर्शन क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं अभी तक केशव कुंज या फिर नागपुर में कोई बड़ा नेता, कोई बहुत बड़ा मंत्री अभी तक क्यों नहीं बुलाया गया? मोहन भागवत जी का यह बयान आया है कि त्वरित और बहुत ही कहना चाहिए कि सख्त से सख्त एक्शन लेने की बहुत जरूरत है, तीव्रता से। ये मोहन भागवत जी का बयान आया है और ये अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं, इसको जांच सकते हैं। रही बात क्या राष्ट्र के नाम पर जीने मरने वाला तलब हो जाते हैं, केशव कुंज या फिर नागपुर में तलब हो जाते हैं, केशव कुंज या नागपुर में तलब हो जाते हैं, राधाकांत पांडे के पास भी चलते हैं हम। ठीक है मैम, दोबारा मैं आ रहा हूँ। मानने वाला संघ क्या इस बात से अपने आप को कभी अलग कर सकता है? समर्पित कर देगा राष्ट्र? अलग करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन जितना अग्रेशन होता है ना राष्ट्र के नाम पर, जितना अग्रेशन होता है मैम, इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा था। मैं काम कर लेता हूँ, राधाकांत पांडे के पास में चलता हूँ। राधाकांत नहीं, समर्पण है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक। ठीक है मैम, ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम। मैं विवेक साइलस जी के पास में चलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं राधाकांत पांडे के पास भी चलता हूँ। राधाकांत पांडे वीरस के कवि हैं आप। आज मैंने जानबूझ करके आपको आमंत्रित किया है, क्योंकि मैंने एक पत्रकार को भी सुना